लेकिन नमाज में ऐसा करना दुरुस्त नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं जी, और गवर्नमेंट जॉब एक पर्टिकुलर इलीगल कामों को रोकने के लिए किया जाता है, वो मुस्लिम शख्स है और वो इलीगल कोई करप्शन नहीं करता है, कोई रिश्वत वगैरह नहीं लेता है, लेकिन फिर भी पूरा डिपार्टमेंट ले रहा है, इस मजबूरी में वो काम अलाउ करता है, तो वो सैलरी लेना जायज होगा? और दूसरा कि जो बहुत से लोग गवर्नमेंट से लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और बगैर सवाब के नीयत से सदका कर देते हैं, क्या वो जायज होगा? मैंने दो अच्छे सवाल किए। पहला उनका सवाल का हिस्सा था कि कोई इंसान एक डिपार्टमेंट में काम करता है जहां सूद के माफ करना रिश्वत के ऊपर काम नहीं होता, लेकिन वो ईमानदार है, वो ईमानदार है, वो उसमें हिस्सा नहीं लेता है, नहीं लेता। तो अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहाँ हर जगह चेन होती है, लोवेस्ट से लेकर अपर तक परसेंटेज वाइज जाता है, मिनिस्टर लेवल तक, बहरहाल क्या क्या हो रहा है दुनिया जानती है, बहरहाल अगर कोई ऐसा हो रहा है, कोई चेन सिस्टम में दे रहा है, आप उसके बीच में आते हैं, आप नहीं ले रहे हैं, तो आप ये कीजिए कि भाई मैं नहीं लूंगा, इधर वाले कहिए कि आप उधर दे दीजिए, बोलो मैं इस मामले में ना लेता हूँ, ना देता हूँ, ना कुछ करता हूँ, पहली चीज उसमें आप शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर पूरा सिस्टम ले रहा है जिसकी वजह से वो काम तो आपको करना पड़ता है ना, आगे फॉरवर्ड, जैसे आप जूनियर इंजीनियर सीनियर ने आपको दे दिया तो आपको तो फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ आप मजबूर है, लेकिन आपने उसमें से कुछ भी नहीं लिया, जब सीनियर से कोई चीज ऑफिशियली साइन हो जाएंगी तो आपको आगे फॉरवर्ड करना ही है, चेक करके आप अपना जो काम है चेकिंग का वो सब करके फॉरवर्ड कर दिया कीजिए, उसमें हिस्सा मत रखें। सेकंड, बहुत से लोग रिश्वत लेते हैं, बोलते नहीं हम बीच में आ रहे तो लेना ही पड़ता, बगैर उसकी जॉब होती ही नहीं है, ये झूठ है, ऐसे बहुत से लोग मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह जो एक से एक महकमात में और आज रिश्वत नहीं लेते और उनको लोग पहचानते हैं, मारूफ है अपने महकमे में। तो बहरहाल तो इंसान लेता है और सदका करता है बगैर सवाब की नीयत से, ये कौन सा तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक चीज ले आप और सदका करें, और मैं आपसे सवाल करता हूँ या उस शख्स से, कितने दिन तक सदका करोगे तुम? कभी ना कभी दिल तो फिसल ही जाता है ना, या तनख्वाह आती 10,000, सदका कर रहा 20,000, ऊपर की जो आ रही वो इतनी ज्यादा आ रही, कहीं ना कहीं मुमकिन ही नहीं है ऐसा हो सके, याद रखिए। तो बहरहाल मैं कहूंगा कि वो जो है उस पैसे को ले ही ना, और उस पैसे को आगे वो जो चलता चेन में चलाने दे, जो बढ़ रहा है बढ़ाने दे, और खुद लेकर सदका करना शरीयत को हल नहीं। इसलिए आप किस किस को फिर डिपार्टमेंट बोलेंगे मैं लेकर सदका करता, मैं लेकर सदका करता, सब बोलेंगे भाई ये साहब भी लेते, वो साहब भी लेते, जो अल्लाह सुब्हान तआला हमें जो है तमाम किस्म की बुराई से महफूज रखे। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।